आज हम चर्चा करते हैं कि भारत नौजवानों का देश कहा जा रहा है। आज चाहे किशोरावस्था में लड़की है, चाहे किशोरावस्था में लड़का है, दोनों ही डिप्रेशन से बहुत अधिक गुजर रहे हैं। क्या समस्या है? क्या कोई बेरोजगारी की समस्या है, या कुछ सामाजिक समस्या है, या पारिवारिक समस्या है? इसी पर हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, भारत नौजवानों का देश फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान है वो भारत में है। उस हिसाब से तो भारत के जो विकास है उसको गति मिलनी चाहिए, लेकिन आजकल हमारे चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, अपने सामाजिक ताने बाने को छोड़कर एक तरह से विदेशी चीजों में लीन हो रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जड़े तो है उनकी भारतीय, और ऊपर से जो पेड़ है वो उनका क्या है, विदेशी है। कहीं ना कहीं तालमेल में कमी है, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, हकीकत में कुछ और होते हैं, दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं, उसमें टेंशन में है। लड़के नशे की तरफ जा रहे हैं। लड़कियों की तो बात छोड़िए, आप बड़े बड़े शहरों में देखिएगा आज नौजवान लड़कियाँ नशे की गिरफ्त में इतनी ज़्यादा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये चीज़ें कॉमन हो गई। ये सारा पश्चिमी देशों की सभ्यता का प्रभाव है जो हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। कुछ माँ बाप का भी ये है, कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता, सब अपने कुछ कमाने में कई और दूसरे कामों में लगे रहते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो माँ बाप की बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि अब बच्चे जब किशोरावस्था में हैं, उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उनका क्या है कि कुछ उसको उनको खुद नहीं पता कि हम दिल से काम करें या दिमाग से काम करें। देखिए, किसी ने सही कहा है कि व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों से चलता है, दोनों का संतुलन जरूरी है। इस अवस्था में आके बच्चे ये नहीं तय कर पाते कि आप दिमाग की माने या दिल की माने। और बात भी सही है, जब खाली व्यक्ति अगर दिमाग की मानता है तो वो तर्क प्रधान होता है, जो दिल की मानता है वो भावना प्रधान होता है। आप खाली दिमाग से ही काम लेंगे तो भी आपका हृदय शून्य है, और आप खाली दिल से काम लेंगे तो आप आने वाले समय में कहीं ना कहीं गलत दिशा में रहेंगे, क्योंकि आप अपने सामाजिक जीवन को कर ही नहीं सकते। आपके पास दोनों तरह चीज़ों से साथ लेके चलना है, दिल और दिमाग का बैलेंस बनाना है, और उस बैलेंस बनाना ही आज युवाओं के लिए एक समस्या है, क्योंकि वो बना नहीं पा रहे हैं। जब वो बैलेंस नहीं बनता है तो एक समय ऐसा होता है वो ऐसे रास्ते पर आ जाते हैं कि ऐसा उनके पास चौराहा बन जाता है कि जाए तो कहाँ जाए। दिल इधर कह रहा है, दिमाग इधर कह रहा है, समाज इधर कह रहा है, मैं ये जा रहा हूँ, तो वो क्या सोचे। इस अवस्था में ठंडे दिमाग से दिल और दिमाग दोनों को एक तराजू की तरह तोड़ना चाहिए। बैलेंस बराबर है तो ही आपका जीवन सही है। अगर भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लिया जाता है, कोई कदम उठाया जाता है, तो भी ठीक नहीं है। और खाली दिमाग से ही हम काम करते हैं तो हम सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, अपना हित कर सकते हैं, हम परिवार और समाज को इग्नोर कर देते हैं। खाली दिमाग वाला व्यक्ति ही सारा परिपूर्ण नहीं होता। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चाहे मुझे दिमाग मत देना लेकिन थोड़ा बहुत मुझे दिल जरूर दे देना। क्योंकि दिल से सुनने जो व्यक्ति होता है वो शुष्क होता है, वो किसी की भावनाओं के लिए रोता नहीं है, किसी की भावनाओं के लिए तड़फता नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति के अंदर दिमाग के साथ साथ दिल भी होना ज़रूरी है। हम कई बार हमें भावनाओं के साथ ही हमें समाज से तालमेल बनाना पड़ता है। तो किशोरावस्था में आज जो हमारे बच्चे और बच्चियां जो है उनके समक्ष समस्या ये है कि वो सोच नहीं पाते हैं कि हम किसका प्रयोग करें। इस समय माता पिता को बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत होती है बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चे उस समय ऐसे रास्ते पर खड़े होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि करे क्या। इसी की वजह से हमारे देश से बहुत सारे युवा सुसाइड कर लेते डिप्रेशन में है। थैंक्स।